हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से तरफ से एक वैकेंसी निकल के आया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, NARL रिक्रूटमेंट 2019। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारे जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा जरूर एक लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन का ई बुक बना कर रखा हूँ। उसके साथ नॉन टेक्निकल जैसे कि रेलवे का JEE और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनरल साइंस, यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करके रखा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों जॉब का अपडेट रहने के लिए आप हमारे वेबसाइट helpingtapan.com में आके विजिट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे अपडेट किया गया है। अभी जो जॉब बता रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, नेशनल एटमोस्फियरिक रिसर्च लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया है। दोस्तों इसरो भी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और यहाँ पे नेशनल एटमोस्फियरिक रिसर्च लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में भी है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये जूनियर रिसर्च फेलो, ये 2 साल के लिए आपकी जॉब रहेगा। आपकी 2 साल के लिए यहाँ पे फिक्स अमाउंट का सैलरी रहेगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, आप लोग को दिखा देता हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। और दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एटमोस्फियरिक रिसर्च सेंटर, आप लोग को इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल एटमोस्फियरिक रिसर्च सेंटर NARL.gov.in, ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट। और दोस्तों टोटल वैकेंसी जो है वो 13 है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। ये है उसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, सैलरी जो रहेगा 31,000 पर मंथ विथ प्लस HRA मिलेगा आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिलेगा। सेकेंड ईयर में 35 मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 31 मिलेगा, 2 साल के लिए ये रहेगा। दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, आप हमारे साइड में जाके इसको सर्च कर सकते हो। आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट जो रखा गया है वो 18 से 28 ईयर तक एज लिमिट रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल नहीं है, फ्री एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो 22 जुलाई तक ये अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन शुरू हो रहा है वो 29 जून में है, 29 जून से यहाँ पे 22 जुलाई तक इसका एप्लीकेशन रहेगा। दोस्तों इसको अप्लाई करना है, इसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा जो आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों डेट देख सकते हो, 12 जून को ये एडवर्टाइजमेंट आया है। यहाँ पे दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स या एटमोस्फियरिक साइंस या स्पेस फिजिक्स या मेट्रोलॉजी में है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास अगर ME है, MTech है या ME है, 60% मार्क है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या सिग्नल प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग या ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसका लास्ट डेट वगैरह दे दिया हूँ, ये ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है, ऑनलाइन 29 जून से शुरू होने वाला है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों देख सकते हो, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पे ऑनलाइन चालू हो जाएगा 29 से, यहाँ पे आपको अपडेट में मिल जाएगा एक नोटिस जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी मेरा वेबसाइट में आप लोग के लिए यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।